नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 21 जुलाई से 27 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक विनिर्माण का लक्ष्य कितना रखा गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 500 बिलियन डॉलर। हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का। यह जो रिपोर्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी द्वारा जारी किया गया, अर्थात नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम है सुमन के बेरी। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक 500 बिलियन डॉलर। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी 99% स्मार्टफोन की जो आवश्यकता है वह घरेलू स्तर पर पूरी करता है तथा वैश्विक इलेक्ट्रिक विनिर्माण उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में मात्र 3.3% है, जबकि निर्यात की जब बात की जा रही है तो इस इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में भारत का जो निर्यात है निर्यात मात्र 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 20 जुलाई को। 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। इसी दिन 1969 ईस्वी में नासा का जो अपोलो सेकेंड था, नासा का अपोलो सेकेंड जो चंद्रमा की धरती चंद्रमा के सतह पर उतरा था और इस अपोलो सेकेंड से पहली बार चंद्रमा के सतह पर किसी मानव ने अपने पैर रखे थे, उसी अवसर के उपलक्ष्य में 1969 में जो यह घटना हुई थी उसी अवसर के उपलक्ष्य में 20 जुलाई को चंद्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान तथा केरल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही है, रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली यह योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। यह भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। जब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात हो रही है तो यह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार शुरू करने के लिए इस योजना के तहत 50,000 रुपया ऋण दिया जाता है और इस मामले में राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तथा केरल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और यह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू हुई थी वर्ष 2020 ईस्वी में और स्थानीय निकायों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है दिल्ली नगर निगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो कृषि क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्राप्त हुआ है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को कृषि क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसे भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जब कृषि क्षेत्र की बात हो रही है तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान भारत के वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं जो पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हाल ही में कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मोनोलो मार्केज। मोनोलो मार्केज हाल ही में भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम के मुख्य कोच बने हैं। मोनोलो मार्केज की जब बात हो रही है तो ये स्पेन के हैं। स्पेन के मोनोलो मार्केज हाल ही में भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम के मुख्य कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के लेखक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आर बाला सुब्रमण्यम ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने श्रमिक वसेरा योजना शुरू की है तो किस राज्य सरकार ने श्रमिक वसेरा शुरू की है? गुजरात सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी सही। हाल ही में गुजरात सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दैनिक मजदूर या निर्माण
श्रमिकों को मात्र पाँच रुपया प्रतिदिन का भुगतान करने पर एक दिन के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रहेगी गुजरात में। तो गुजरात में शुरू की गई है श्रमिक वसेरा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, असम ने। हाल ही में असम राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया है। इस कानून को खत्म करने का उद्देश्य है बाल विवाह को कम करना तथा लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा को। भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया था अभिनव बिंद्रा ने, उस अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से हाल ही में सम्मानित किया है। ओलंपिक ऑर्डर IOC अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सर्वोच्च पुरस्कार है। अभिनव बिंद्रा जो वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अपने व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग यह मुंबई क्षेत्र महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। सही है, सुरंग की लंबाई 11.8 किलोमीटर है। सही है, तो उपयुक्त कथनों में से सही कथन की पहचान करें, तो कथन एक और कथन दो दोनों सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े ग्रीन चारकोल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य में। भारत के सबसे बड़े ग्रीन चारकोल संयंत्र की स्थापना की जाएगी हरियाणा राज्य में। संयंत्र में कचरा से ग्रीन चारकोल बनाया जाएगा। जब हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा के वर्तमान CM का नाम है नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है मनोहर लाल खट्टर भारत के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं और हरियाणा के CM हैं नायब सिंह सैनी। और हरियाणा में हाल ही में भारत के सबसे बड़े ग्रीन चारकोल संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 82वां। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में भारत को 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। जब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग की बात हो रही है तो पहले स्थान पर है सिंगापुर, पहला स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को, जबकि दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन को संयुक्त रूप से, जबकि भारत को प्राप्त हुआ है 82वां स्थान। जब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वर्ष 2024 में भारत की रैंकिंग 82वां है तो वर्ष 2023 में भारत की रैंकिंग थी 84वां, अर्थात अपने पिछले वर्ष के रैंकिंग से हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत ने अपने पिछले वर्ष के रैंकिंग से दो स्थान का लाभ प्राप्त हुआ है। और यही वर्ष 2022 ईस्वी में हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का रैंकिंग था 87वां, अर्थात पिछले 3 वर्षों में भारत जो है अपने इस पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में सुधार करते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों का नाम बदल दिया है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति ने दरबार हॉल का नाम बदलकर लोकतंत्र मंडपम कर दिया है, गलत है, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति ने जो दरबार हॉल का नाम बदला है उसका जो नाम है लोकतंत्र मंडपम नहीं बल्कि गणतंत्र मंडपम रखा है। अशोक हॉल का नाम बदलकर रख दिया गया है महाराणा प्रताप हॉल, गलत, क्योंकि अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया है। अशोक मंडप और दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडल नाम रखा गया है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव करें, तो कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 500वें सामुदायिक
रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आइजोल में। हाल ही में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हुआ है आइजोल में। आइजोल आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने न्यू कैसल रोग मामले के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील ने। हाल ही में ब्राजील ने न्यू कैसल रोग मामले बढ़ने के बाद से पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। जब ब्राजील में आपातकाल पशु आपातकाल लगा हुआ है तो ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम है लूला दा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ियों को अमेरिका के न्यूपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विजय अमृतराज और लियंडर पेस। विजय अमृतराज और लियंडर पेस को हाल ही में न्यूपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में। हाल ही में सिक्किम राज्य में पर्यटकों के लिए पर्यटन वाहनों में कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि कचरा को इधर उधर न फैलाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा वाला रोबोट चेहरा विकसित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जापान ने। हाल ही में जापान ने जीवित त्वचा वाला रोबोट चेहरा विकसित किया है जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी में। जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी में वहाँ के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा वाला रोबोट चेहरा विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई को। 26 जुलाई को भारत में मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई 1999 ईस्वी को भारत ने कारगिल में विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 के 21वें संस्करण की मेजबानी करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया। मंगोलिया बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 की मेजबानी करेगा। जब मंगोलिया की बात हो रही है तो मंगोलिया की राजधानी का नाम है उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी है और यह मंगोलिया खान क्वेस्ट 2024 में जो आयोजित होने वाला है वो 21वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट है, इसका मेजबानी करेगा मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक केनरा बैंक के साथ। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केनरा बैंक के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 6.22 लाख करोड़। हाल ही में केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। इस बजट के अनुसार रक्षा बजट के लिए 6.22 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। यह जो बजट है यह सबसे अधिक किसी भी मंत्रालय को दिया जाने वाला, इस बार के बजट में किसी भी मंत्रालय को दिया जाने वाला सबसे ज़्यादा बजट है और यह पिछले वर्ष की तुलना में जो है 18.43% अधिक है। रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया जाने वाला जो यह बजट है यह पिछले बजट के अनुसार 18.43% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोहिदम्स को शामिल किया गया है यह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है मोहिदम्स, जिसे संस्कृति की श्रेणी में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह जो मोहिदम्स है यह लगभग 700 साल पुराना ईंट और पत्थर का खोखला तहखाना है जिसमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष इसमें शामिल हैं। तो यह मोहिदम्स असम राज्य में है जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन है, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 25,000। भारत सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, इस केंद्र पर जो दवाइयां हैं यह दवाइयां मार्केट में अन्य दुकानों के अपेक्षा बहुत ही सस्ती मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा बंदरगाह स्थापित की जाएगी। यह घोषणा जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किसने किया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भारत में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है और इसी विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में हाल ही में असम का जो मुइदम्स है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने बच्चों के टीकाकरण के लिए किस नाम से एक ऑनलाइन टीकाकरण पोर्टल लॉन्च किया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यूविन। यूविन के नाम से सरकार ने बच्चों के टीकाकरण के लिए एक नया ऑनलाइन टीकाकरण पोर्टल लॉन्च किया है। यह गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रत्येक टीकाकरण कार्यक्रम का रिकॉर्ड रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने साइबर स्क्रैमिंग केंद्रों में फंसे 13 भारतीयों को बचाया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लाओस। हाल ही में लाओस में फंसे 13 भारतीयों को बचाया गया है जो साइबर स्क्रैमिंग केंद्रों में वहां लाओस में फंसे हुए थे। जब लाओस की बात हो रही है तो लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रूप देश है जिसकी राजधानी का नाम है वियंतियान। लाओस की राजधानी का नाम है वियंतियान और यह दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें बिहार में कितने औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक। केंद्रीय बजट 2024-25 में 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। औद्योगिक पार्क स्थापित करने वाले राज्यों में बिहार भी शामिल है जिसमें बिहार में एक औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर बिहार में किस मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर, इन दोनों के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब महाबोधि मंदिर की बात हो रही है तो महाबोधि मंदिर नागर शैली में निर्मित एक मंदिर है, नागर शैली में निर्मित एक मंदिर है जो बोध गया में स्थित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिस इसी स्थान पर अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पहला मंदिर बनवाया था। जब विष्णुपद मंदिर की बात हो रही है तो विष्णुपद मंदिर गया में फल्गु नदी के किनारे स्थित है। विष्णुपद मंदिर इसे इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने इसे विष्णुपद मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कितने रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाने की घोषणा की गई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार केंद्रीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपया का वेंचर कैपिटल फंड बनाने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य है अगले 10 वर्षों में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाकर 5 गुना करना। वेंचर फंड की जब बात होती है तो वेंचर फंड शुरुआती चरण वाले ऐसे स्टार्टअप में निवेश करते हैं जिनमें लंबे समय तक विकास की अधिक क्षमता होती है। और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो भारत का अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वैश्विक हिस्सेदारी जो है मात्र 2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक संपदा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के साथ।
हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ सांस्कृतिक संपदा समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य है पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकना। भारत में हाल ही में जो विश्व धरोहर समिति का भारत में बैठक हो रहा है, और विश्व धरोहर समिति का 46वां बैठक भारत में आयोजित हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसी बैठक में भारत ने अमेरिका के साथ सांस्कृतिक संपदा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। धन्यवाद।